आज जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। मंत्र राज मिदम ख्यातम दुर्लभम पाप चेतसाम सुलभम सुबदम भक्तया साधकानाम महात्मनाम। मतलब काकार राकार एवं नाद बिंदु युक्त ईकार अर्थात क्रिम विख्यात मंत्र राज है, यह पापियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, भक्ति युक्त महात्मा साधकों के लिए साधना सुलभ एवं मंगलप्रद है। क्रिम जो एकाक्षरी मंत्र है उसके बारे में काली तंत्र में भैरव जी ने यह विषय रखा था। जो तंत्र है वो चाहे तो महादेव ने पार्वती को बताया या भैरव जी ने भैरवी माता को बताया, तो उसी में काली तंत्र का व्याख्यान आया। काली के बारे में जब हम तंत्र की बात करते हैं तो दो ही तीन चीजें हैं जहां से आपको काली तंत्र का के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन सा जगह है? जैसे एक रावण द्वारा लिखा गया काली का पूजा, दूसरा भैरव जी द्वारा दिया गया काली तंत्र, तीसरा रुद्रचंडी तंत्र और चौथा साबरमाला। तो ये तीन चार विधान है जहां से आपको काली जी की साधनाओं के बारे में पता चलता है। भैरव काल भैरव जी जब भैरवी जी को काली तंत्र के बारे में बताते हैं तो वो उनको बताते हैं कि जो सबसे बड़ा मंत्र है काली का वो क्रिम है, क्रिम से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है। क्रिम वो मंत्र है जो अनिरुद्ध सरस्वती के रूप में जाना जाता है। अनिरुद्ध सरस्वती का मतलब वो ज्ञान, वो सरस्वती का ज्ञान जो कि अष्ट सिद्धि का ज्ञान देती हो। कहा जाता है कि अनिरुद्ध सरस्वती के ज्ञान मात्र से मतलब बृहस्पति के समान आप ज्ञानी हो जाते हैं, अष्ट सिद्धि आपको मिलता है, काव्यकल्प आपको मिलता है, इसके समान कोई तंत्र नहीं है, ठीक है। और इसका जो जाप है उससे आप महापाप से, महाग्रह शांति से, महाभय से, बहुत पीड़ा में हो या फिर महासुख में हो, दरिद्रता से निकल नहीं पा रहे हो, तो इस तरीके का बहुत सारा विधान है जिसमें अगर आप क्रिम का जाप मात्र करते हैं तो आप उससे निकल जाएंगे। देखो क्रिम या काली का जाप ये ब्रह्म ज्ञान का जाप होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो साधना होता है ना ये मुख्यतः श्मशान में होता है या शमशान में होता है। और अगर ऐसा कोई साधक है जो कि श्मशान में सो भी सके, मतलब अगर 21 दिन की साधना 21 दिन अगर वो श्मशान में सो सके तो उसको क्रिम के पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। और काली के पूजा का जो विधान है उसको मानते हुए उसको श्मशान में रह के पूजा करना होता है। खैर वो एक अलग विधान है, उस पर मैं फिर से आप लोगों को कभी बताऊंगा। अभी मैं आपको क्रिम का पांच ऐसा उपयोग बताऊंगा जो कि आपके जीवन में बहुत फायदा करेगा। तो क्रिम का अलग अलग मंत्र का कॉम्बिनेशन होता है जिससे कि अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने बोला कि क्रिम जाप मात्र से बहुत तरह के फल की प्राप्ति होती है, तो क्रिम जो है वो एकाक्षरी मंत्र है और भगवती देवी काली के पूजा विधान को मानते हुए, बलि को मानते हुए जो विधान है उससे अगर आप क्रिम का जाप करते हैं, अब आप पूछेगा कितना जाप, तो जब सिद्धि के लिए आप जाप करते हैं तो जाप की गिनती नहीं होती है। तो सिर्फ क्रिम अगर एकाक्षर का आप जाप करते हैं तो आपके सारे पाप का और आपके आसपास के जितने पापी हैं सबका नाश हो जाता है। इसके अलावा जो साधना करते हैं साधना में शक्ति प्राप्ति का ये सबसे उत्तम मार्ग माना गया है। दूसरा जो विधान या मंत्र है वो है क्रिम क्रिम क्रिम। क्रिम 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 जो है इस मंत्र को साध लेने से शास्त्रों का ज्ञान आता है, मतलब इससे ज्यादा बोला जाता है कि विद्या किसी भी साधना को करने से नहीं आती है। तो त्रयाक्षरी मंत्र है क्रिम क्रिम क्रिम, इसका जाप करना चाहिए। इस मंत्र को जाप करने से आकर्षण, वशीकरण, मारण, उच्चाटन व शांति जैसे जो कर्म है ये सारे आपके सिद्ध हो जाते हैं।
कहा जाता है जो ये जाप है त्रय अक्षरी, इसके बारे में करोड़ों जीव और करोड़ मुख भी अगर इसकी बड़ाई करे तो इस विद्या के बारे में कम ही बोला जाता है, ऐसा भैरव जी ने जब भैरवी जी को बताया था क्रिम 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 जाप का महत्व, तो उनको समझाया था। क्रिम 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 जो है वो द्वयक्षर महाविद्या भी मानी जाती है। जो तीसरा मंत्र है वो है क्रिम दक्षिण कालिके क्रिम स्वाहा, क्रिम दक्षिण कालिके क्रिम स्वाहा। मंत्र को उच्चारण करने से ही आकर्षण बढ़ता है। मान के चलिए कि आप कहीं पर बैठे हैं, आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण मात्र से जो लोगों का है वो ध्यान जो है आपके तरफ चला जाएगा। इस मंत्र में एक स्वतः आकर्षण रहता है, तो जिनको आकर्षण चाहिए जीवन में वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर आपको आकर्षण या सम्मोहन की जरूरत है तो हुम ह्रिम क्रिम क्रिम स्वाहा इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। हुम ह्रिम क्रिम क्रिम स्वाहा इस मंत्र का 10,000 जाप करने से साधक निश्चित रूप से किसी को भी अपने वश में कर लेता है। तो ये वशीकरण का बहुत ही बड़ा मंत्र है, हुम ह्रिम क्रिम क्रिम स्वाहा। इसमें क्या है कि इस मंत्र को करने से कहा जाता है कि तीनों लोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि आपके वश में नहीं होगी। बस इसमें यही है, इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो आपको भगवती को एक नाग रूप में यज्ञोपवीत धारण करने वाली, मस्तक पर अर्चंद्र का मुकुट होगा, जराजूट का आसन होगा और महाकाल के समय बैठी हुई, ऐसा भगवती का ध्यान करके इस मंत्र को जाप करना है। 10,000 जाप करने से आपका जो है आकर्षण मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। जो पांचवा मंत्र आज मैं बताने वाला हूँ वो है ओम ह्रिम क्लिम मे स्वाहा, ओम ह्रिम क्लिम मे स्वाहा। इस मंत्र का मैं आपको विशेष साधना विधि नहीं बताऊंगा, उसका कारण है कि इस मंत्र का बहुत ही सारा उल्टा प्रयोग होता है, सीधा प्रयोग में ये मंत्र नहीं आता है। लेकिन इस मंत्र को जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि मान के चलिए आप कभी बहुत ज़्यादा कठिनाई में फंस जाएंगे, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत विषम परिस्थिति में फंस गए हैं, आप चारों तरफ से जो है अपने दुश्मनों से घिर गए हैं, ऐसी परिस्थिति में इस मंत्र का जाप करिएगा ओम ह्रिम क्लिम मे स्वाहा, तो आपको जो भी विपत्ति में आप फंसे हुए हैं उस विपत्ति से आप बाहर निकल जाएंगे। इस मंत्र को जाप करने से पहले भैरव एवं विराट छंद का ध्यान कीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको समारोप करके बताता हूँ। सबसे अनिवार्य है क्रिम का जाप करना। क्रिम का बिना गिनती जो माँ काली का पूजन विधि है उससे मसान में रह करके 21 दिन तक साधना करना है। अगर ये कर लीजिएगा तो आगे की साधनाएं आप बहुत ही आसानी से कर पाइएगा, वरना इफेक्ट तो हर साधना का होता है लेकिन इफेक्ट जो है वो कम होगा। जो दूसरी साधना आपको बताई वो दूसरा मंत्र महाविद्या का मंत्र है, अष्ट सिद्धि को प्राप्त करवाने वाला। जो तीसरा मंत्र है वो आकर्षण का मंत्र है कि आप किसी सभा में बैठे हैं, आपको आकर्षण की आवश्यकता है तो आप उस मंत्र का प्रयोग करेंगे। जो चौथा मंत्र है वो महाआकर्षण मंत्र है और उसका प्रयोग बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में आप लोग करिएगा, जब पूरा ही स्थिति आपके विपरीत हो जाए और आपको साधु संत देवी देवता राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल घुसमंड भैरव हर तरह की शक्ति को अपने तरफ आकर्षित करना हो। और पाँचवा मंत्र वो मंत्र है जो कि आपको विषम परिस्थिति से बाहर निकालेगा। जब आप ऐसी किसी परिस्थिति में फंस जाइएगा कि आपको ऐसा लगे कि अब इससे निकलना मुश्किल है, वैसे इमरजेंसी में पांचवें मंत्र का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। मंत्र आपको दिया है, पांचवें मंत्र का विधान इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये अगर सही सही प्रयोग किया जाए तो ये मारण तक का काम करता है, इसीलिए इस मंत्र का मैंने आपको विधान नहीं दिया। माँ काली का और जो साधना है जो कि रुद्रचंडी तंत्र में आता है या फिर रावण तंत्र में आता है वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। माँ काली की साधनाएं बहुत सहज होती हैं लेकिन यही है कि अगर
थोड़ा आप लोग धैर्य रखें, और जैसे क्रिम का जाप मैंने बताया तो उससे अगर शुरू करिएगा तो पूरा स्मूथ रहेगा। माँ काली की पूरी साधना विधि बहुत ही सरल और माँ दर्शन देने वाली, प्रत्यक्ष कर्म करवाने वाली। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का बेसिक सीखना है, बेसिक मंत्र सीखना है, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर है 9431188585। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो www.akhortantarahasya.xyz पर लॉग इन करें और वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट सेक्शन मिलेगा, आप वहाँ मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जिनको डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप जो है उसको डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें, उसमें rudranath@cm4 आपको मिलेगा, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। माँ काली आप सभी को कृपा बरसाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।